हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है 16 अक्टूबर का, ग्रुप डी रेलवे। बात करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन किए लोगों ने, कितने अटेम्प्ट किए आपने? 78। आपने सर? 89। आप लोगों ने सर 85। इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं वो आपने दिया था? आवेश 1.6 10^19 कूलम। ऐसे आप रवीश कुमार, मतलब कि कौन से न्यूज़ के रिपोर्टर हैं ये पूछा था। हाँ, रवीश कुमार किसके किस चैनल के रिपोर्टर, मतलब संस्थापक है? संस्थापक नहीं है, जर्नलिस्ट। किस पत्रकार, किस पत्रकार पूछा था? अच्छा, और क्या था, और कोई मीडिया से रिलेटेड और भी था कोई? बस एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था, एक और था, न्यूज का ही था। हाँ, क्या था उसमें? मतलब वो नहीं, सीईओ पूछा था उसका। अच्छा, किसी चैनल का? ये रिपब्लिक, रिपब्लिक है ना कोई चैनल, रिपब्लिक टीवी के। हाँ, रिपब्लिक टीवी का कौन सीईओ कौन है? था कि कौन समाचार पढ़ता है, ये था क्वेश्चन। किसमें? वही जो अभी भाई साहब ने बताया। अच्छा, अच्छा, समाचार पढ़ने के लिए। किसमें, रिपब्लिक टीवी में या एनडीटीवी में? नहीं, रिपब्लिक। रिपब्लिक टीवी में कौन समाचार पढ़ता है, तो उसमें ऑप्शन होंगे। क्या क्या नाम था? ऑप्शन नहीं याद है, क्योंकि याद नहीं आपको? क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था, तो याद कहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, ये बंगाल विभाजन का क्वेश्चन था। बंगाल मतलब कौन से साल में विभाजन हुआ था, एक क्वेश्चन ये था। बता दीजिए, बता दीजिए। सर, एक क्वेश्चन रिलेटेड था उससे, फर्स्ट मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। सर, 1857 के बारे में पूछा गया था कि कब से शुरू हुआ था, मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम कब से स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ। हाँ, और क्या था? कुछ जीवाश्म के बारे में पूछा था। बायो से एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, बीजाणुओं से कौन सा, मतलब जो फाइलम है वो, और टमाटर का मतलब टमाटर में कौन से एसिड, टमाटर के अंदर टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, चींटी के डंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। दो क्वेश्चन एसिड से थे, रीजनिंग से वो मिरर इमेज से काफी क्वेश्चन आए हुए थे। सीरीज के दो क्वेश्चन आए थे, एकदम सिंपल थे। सीरीज फिजिक्स की बात करें तो क्या था फिजिक्स में? फिजिक्स में सर बताया न्यूमेरिकल्स थे। कितने न्यूमेरिकल होंगे सर? लगभग 10 के आसपास थे। 10 न्यूमेरिकल थे, काफी ज्यादा संख्या दे दिया न्यूमेरिकल्स का इस वक्त इस शिफ्ट में। क्या था न्यूमेरिकल में, कुछ बताएंगे? किस क्या माना था सर? जैसे एक क्वेश्चन पोटेशियम एनर्जी निकालना था, और दूसरा क्वेश्चन में था सर क्या कहते हैं, पावर निकालने के लिए दिया था, पावर निकालने के लिए था दूसरा क्वेश्चन। नंबर सारणी से था, आवर्त सारणी में क्या आया? आवर्त सारणी में ये आया था कि किसमें, मतलब ऑल गैसेस, सारी गैसेस किसमें, कौन सा ऐसा आवर्त होता है जिसमें सारी गैसेस होती हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं, आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड आवर्त में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सबसे सबसे अधिक गैस किसमें, किस आवर्त सारणी में पाई जाती है, आवर्त सारणी के किस ग्रुप में, वर्ग में, जो है ग्रुप में सबसे ज्यादा गैसेस पाए जाते हैं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था क्या? 1857 वाला क्वेश्चन। अच्छा, वही था, स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ। एक क्वेश्चन था सर कि क्या कहते हैं, आपातकाल के, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद कौन सी पार्टी का गठन हुआ था, मतलब कौन सी पार्टी आई थी राष्ट्रीय आपातकाल के बाद? आपातकाल के बाद जनता पार्टी, या फिर ये होगा कि किस पार्टी ने शासन किया था, शासन किया था, ये क्वेश्चन था। हाँ हाँ, और जियोग्राफी का आई थी, रूल किसने किया? जियोग्राफी से काफी था। क्या था सबसे ज्यादा थी वो, मतलब कि ये जो, मतलब कि ये होते हैं ना पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे है, और एक एक क्वेश्चन और नेशनल पार्क से ही। उद्यान, दो तीन क्वेश्चन थे उद्यान के बारे में पूछा था। उद्यान के बारे में पूछ लिया, नेशनल पार्क के बारे में दो तीन नेशनल पार्क, कुछ याद है कि कौन से नेशनल पार्क? दाचीग्राम और एक सर याद नहीं आ रहा है ना। एक और याद है आप लोगों? नहीं याद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केसर की खेती पूछा था, मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि किस किस से, मतलब कौन से है कि, हाँ। और सिंपल क्वेश्चंस थे कि मतलब देखे, मतलब जैसे क्या कहते हैं, कृषि के बारे में बोल दिया कि कृषि को क्या कहते हैं, कृषि के बारे में कोई योजना बनाई गई है, और फिर वो रिलेटेड पूछ लिया कि किससे है, किससे है। हाँ, सिंपल क्वेश्चंस। किस जो प्रधानमंत्री अभी योजना है निकाले हैं कृषि द्वारा, किससे संबंधित है पूछा था। अच्छा, कृषि योजना किससे संबंधित, कौन सी योजना कृषि की? कृषि की सर, जो अभी सर लागू नहीं किए थे। अच्छा, समथिंग 72 क्वेश्चन। आपने 80। अच्छा, क्या क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन में सर रसायन विज्ञान से आवर्त सारणी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन था। आवर्त सारणी में जैसे गैस की जो है वो किस लाइनअप पर हैं, ये सारी चीज़ें थी। जो प्रधानमंत्री इस समय आवास वास सब दिए हैं, इसी चीज़ के बारे में था। आवास योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था।
2018 में फिर वो फिल्म अवार्ड किसको दिया गया था वो चीज के बारे में था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस एक्टर को, किस फिल्म को अवार्ड दिया गया ये? और फिल्मों से रिलेटेड कोई किसी फिल्म के बारे में पूछा है और कि एक्टर कौन है, एक्टर्स कौन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? वो था कोई एक्टर था, मतलब कि उसको मतलब निर्देशक कौन था उस फिल्म का, पूछा गया था एक्टर किसी फिल्म का। जी हाँ, कौन सी फिल्म थी वो, याद है क्या आप लोगों को? याद है न्यूटन का जो है निर्देशक कौन है? अच्छा, न्यूटन फिल्म का निर्देशक पूछा, ये आपको याद है। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक टच हुआ है? रीजनिंग में कैलेंडर दो क्वेश्चन था और कथन निष्कर्ष जो है ज्यादा, कितने क्वेश्चन होंगे? समानता श्रेणी का क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष में कितने होंगे? कथन निष्कर्ष के पाँच छः सात इसी के आसपास थे। क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन गलत था उसमें। क्या उसमें सर पूछा गया था एक्स और पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि एक्स और जेड कि मतलब सूर्य की दिशा की ओर से चलते हैं और विपरीत दिशा में, और बाद में यक्ष अपने बाईं तरफ मुड़ता है और वाई दाईं तरफ, जबकि सर वहां पर जेड को छोड़ दिया गया, जेड के स्थान पे वाई को ले लिया गया, तो वो एक कंफ्यूजन क्वेश्चन था। आप लोगों को भी लगा? यस, ये वाला क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन गलत दिया गया। कभी कभी देख रहे हैं हम भी कुछ शिफ्टों में, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन गलत आए हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे लगा था। और अगर इससे इजी क्वेश्चन सर उसमें थे लोको पायलट में, इससे इजी इससे इजी थे मूवी के नाम आए थे लेडीज फर्स्ट का, में मतलब कौन से किस मतलब स्पोर्ट के ऊपर बनाया गया लेडीज फर्स्ट? लेडीज फर्स्ट पिक्चर का नाम है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था। फिजिक्स में सर देखिए उत्प्लावन से क्वेश्चन था कि उत्प्लावन बल किस पे डिपेंड करता है, तो उसका सही आंसर अब जो भी हो मतलब अब। और दूसरी बात जो है और आपका था टांका जो होता है शोल्डर, किसकी मिश्र धातु होती है। और दूसरी बात ये था कि जो है पोटेंशियल एनर्जी उससे दो क्वेश्चन थे कि एक पोटेंशियल एनर्जी अगर 4H है उसकी ऊंचाई दे दी जाए तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। और आपके जो है फिजिक्स से ही ज्यादा क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन थे। कि हाँ मतलब कि ये मतलब परमाणु मतलब किसमें गैस है, कौन से ब्लॉक में ज्यादा गैस पाई जाती है, ये अभी बताया क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन आया था मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कौन से सोसाइटी बंगाल में जो हुआ है। हाँ हाँ। जो भी था उसके बारे में एक हिस्ट्री से ये था। और भी था हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन और था, ये स्वतंत्रता संग्राम मतलब सबसे पहली बार कब कहलाया। हाँ अभी सबसे पहले लोगों ने यही बताया था। हाँ कथन निष्कर्ष का कुछ लाइनिंग याद है कि कथन निष्कर्ष क्या था? कथन निष्कर्ष में जैसे मान लीजिए दे दिया कि मतलब सभी जो है पूछा था कि मतलब मैं शिक्षक को पसंद करता हूं और मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, तो फिर निष्कर्ष में ये दिया था मैं शिक्षक नहीं हूं, और दूसरे में दिया था कथन टू में निष्कर्ष टू में कि हाँ मैं शिक्षक हूं, तो यही अच्छा, फिर दिया था कि हाँ ये पर्याप्त है कि अपर्याप्त है। और क्या थे आप कुछ और इस टाइप के? दो क्वेश्चन थे। और एक मतलब जैसे अगर ये होता है कि कई क्वेश्चन इस साइड के थे कि जैसे ये बिल्ली जो है सभी बिल्ली कुत्ते हैं और सभी जो है कुत्ते बिल्ली है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादा। अच्छा मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक को टच किया? मैं चाल दूरी था। हाँ? नल टंकी था, कार्य समय। हाँ? जो है आपका परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं था लेकिन जो है लाभ हानि से था। दो क्वेश्चन थे इसे। और सर मैथ के क्वेश्चन थे, क्या थे मैथ? मैथ में जैसे सर मैथ में जैसे एक मतलब क्या कहते हैं वर्ड मास के भी क्वेश्चन थे, और उसके बाद मैथ में जैसे सर मतलब टोटल वैल्यू दे दी है फाइनल वैल्यू, तो आपको प्रीवियस वैल्यू निकालनी है मतलब आफ्टर डिक्रीजिंग ऐसा कुछ करके था जी परसेंटेज से। बोर्ड मास स्क्वायर रूट का क्वेश्चन था और प्रकाश लाइट से था क्वेश्चन। लाइट से क्या था? लाइट से था सर उसमें जैसे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दिया है, मतलब ऋणात्मक होता है धनात्मक होता क्या होता है। सर पावर्स के पावर के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, एक पावर पे रिलेटेड था, मतलब उन्होंने मास और एक्सेट्रा सब कुछ दे दिया था और उससे निकालना था। एक पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन था, आयु गणना से था, मतलब कि एज निकालनी थी, और डेट ऑफ बर्थ से भी था, उसमें दिन बताने थे जैसे शुक्रवार से 10 मार्च एक महीने के डिस्टेंस पे पूछा था। हाँ। और इससे पूछा था नेशनल पार्क मतलब कौन कौन से है, एक वंशता ऐसे कुछ नाम था ना। हाँ अभी बताया दो तीन पार्क से संबंधित। अच्छा ये क्या करंट का और जीके वगैरह मिलाकर
20 क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर, नहीं थे। आपको नहीं थे? नहीं थे, नहीं थे उतने, नहीं थे। 10 होंगे मुश्किल से, 10 10 होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन सर ज्यादा थे और मैथमेटिक्स ज्यादा था। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर केमिस्ट्री, बायो के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, बायो में क्या क्वेश्चन था कुछ बताएंगे? बायो का सर याद नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं पाए तो याद कहाँ से। अच्छा, आपको ये ध्यान में? अभी याद नहीं, नहीं। आप लोगों को कोशिका से रिलेटेड क्या था? कोशिका के याद तो नहीं है सर। अच्छा, याद नहीं है। कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आया है मैथमेटिक्स में, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का एक था। एक था 10 2 अंश, ठीक, 10 68 अंश। फिर मतलब दो ऐसे फैक्टर थे जो कट जाते, एक काट 60 वर्ष था, उसी का आंसर था 1/3। अच्छा अच्छा अच्छा। और नल टंकी वगैरह? नल टंकी के थे सर, 2 क्वेश्चन थे। नल टंकी में क्या क्वेश्चन था? उसका टंकी मतलब वो सिंपल था सर। हाँ, वो सिंपल ही था, मतलब जैसे एक टंकी, वो एक एक नल इतने घंटे में भरता है, फिर दूसरा नल इतने घंटे में भरता है, तो मतलब दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? आप कुछ बता रहे थे। और मतलब हाँ, भिन्न से भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक पूछा था सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी, 4 ऑप्शन दिए थे ना। कैलेंडर एक, कैलेंडर एक क्वेश्चन। घड़ी से भी था? नहीं, घड़ी से नहीं था, कैलेंडर से था। सर था कैलेंडर वाला? कैलेंडर से था, जैसे एक जनवरी 2017 को ये दिन था, तो मतलब इसी टाइप से था। दो क्वेश्चन थे इसके रिलेटेड, कैलेंडर से 2 थे। हाँ, इतनी घड़ी वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद नहीं पूछा, सेकंड शिफ्ट में भी आप लोग बता रहे हैं घड़ी का। तो सेकंड शिफ्ट में 16 अक्टूबर को इस तरह के क्वेश्चन आए, आपने देखा है। मीडिया से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे और तमाम टॉपिक जो भी थे वो सब हमने आपको बताया, कैंडिडेट्स ने बताया। तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें और लाइक किए बिना आप मत जाइएगा। मैं सन्मय प्रकाश, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए, और हमारे साथ अमित हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कैमरा कौन संभाल रहा है, तो हमारे साथ ही हैं अमित, वो इसको देख रहे हैं और बहुत बढ़िया से ये कवर कर रहे हैं। थैंक यू।